क्या आप जानते हैं कि A+ कंटेंट की वजह से कन्वर्जेंस में 5-10% का इंप्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर आपका A+ कंटेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इफेक्टिव बनाया गया हो। सो आज के वीडियो में मैं A+ कंटेंट को डिटेल में समझाऊंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे A+ कंटेंट एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से सेलर्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, A+ कंटेंट का पर्पस एंड इंपॉर्टेंस क्या है, A+ कंटेंट क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस, एंड फाइनली कुछ एग्जांपल्स। एंड एज यूजुअल टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो अगर आप वीडियो का कोई स्पेसिफिक सेक्शन देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे न्यू एंड अमेजिंग कॉन्टेंट आप मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज Amazon A+ Content। जब हम Amazon पे किसी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो किसी किसी पेज पे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन की जगह ब्रोशर की तरह का डिजाइन दिखाई देता है, जिसमें काफी सारी इमेजेस, हाइलाइटेड टेक्स्ट एंड प्रोडक्ट के कंपैरिजन टेबल्स एंड कभी कभी वीडियोस भी होते हैं। इसी को A+ कंटेंट कहते हैं। पहले इसे एनहांस ब्रांड कॉन्टेंट या EBC कहा जाता था, एंड केवल Amazon पे रजिस्टर्ड ब्रांड्स या वेंडर्स ही EBC यूज कर सकते थे, बट अब बेसिक A+ कंटेंट सभी के लिए ओपन है। A+ कंटेंट अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड को मार्केट करने और अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच अलग दिखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। Amazon आपको कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स देता है, इन मॉड्यूल्स को किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज करके आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, जो इजीली समझ भी आ सके। अब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ A+ कंटेंट। A+ कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है अपने प्रोडक्ट एंड ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कस्टमर को ऐसे फॉर्मेट में बताना जो कि इजीली पढ़ा जा सके एंड समझ भी आए। इससे कस्टमर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में काफी हेल्प होती है, एंड साथ ही आप अलग और प्रीमियम दिखोगे, जो डेफिनेटली ज्यादा कन्विंसिंग होगा। Amazon पे कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, एंड उसके ऊपर Amazon ने सजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स एंड एड्स के इतने सारे सेक्शंस बना दिए हैं कि आपको अलग दिखने के लिए या इनफैक्ट कस्टमर को दिखने के लिए कुछ अलग करना जरूरी हो गया है, एंड A+ कंटेंट आपको यही अपॉर्चुनिटी देता है। लेट्स सी कि अच्छा A+ कंटेंट बनाना इतना जरूरी क्यों हो गया है। Why Amazon A+ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, बेटर कन्वर्जन रेट्स। A+ कंटेंट का यूज करके आप डिटेल पेज पे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर पाते हैं, ज्यादा विजुअल कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल तरीके से एंड साथ ही इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से दे पाते हैं। इससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा कन्विंसिंग लगता है एंड इसलिए परचेज के लिए चांसेस भी हाई हो जाते हैं। नंबर टू, बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। A+ कंटेंट का यूज करके आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में और मोर एक्यूरेट तरीके से दे पाते हैं, इंक्लूडिंग इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। इससे कस्टमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी भी बढ़ती है। नंबर थ्री, एनहांस्ड ब्रांड इमेज। आप A+ कंटेंट का यूज करके अपने ब्रांड के यूनिक प्रोपोजिशंस, वैल्यूज या फीचर्स को बता सकते हैं एंड खुद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकते हैं। इसे ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड लॉयल्टी एस्टैब्लिश होगी एंड कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है। नंबर फोर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं एंड सब बता रहे हैं तो इट कैन हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स, तो अगेन सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ सकता है। नंबर फाइव, रिड्यूस रिटर्न रेट। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी डिटेल में जानता है एंड सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, देन अगर आपने वाकई में सही इंफॉर्मेशन दी थी एंड एक्चुअल प्रोडक्ट उन इमेजेस और इंफॉर्मेशन को मैच करता है तो रिटर्न्स आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर सिक्स, बेटर रिव्यूज। एज लॉन्ग एज आप ऑनेस्ट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कस्टमर विल बी हैप्पी। जिसका मतलब है, एक तो नेगेटिव रिव्यूज कम हो जाएंगे एंड साथ ही कस्टमर के पॉजिटिव रिव्यू देने के चांसेस हायर हो जाएंगे, एंड अगेन बेटर रिव्यूज मतलब बेटर कन्वर्जेंस। अगर A+ कंटेंट बनाने से इतने फायदे हो सकते हैं तो आई एम श्योर आप भी A+ कंटेंट जरूर बनाना चाहेंगे। सो लेट्स सी A+ कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं।
सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में ए प्लस कंटेंट क्रिएट करने के लिए डेडिकेटेड सेक्शन है, जहां पे आप सभी लिस्टिंग के लिए ए प्लस कंटेंट बना सकते हैं एंड मैनेज भी कर सकते हैं। इसे ए प्लस कंटेंट मैनेजर कहते हैं। इसमें काफी सारे व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मॉड्यूल्स होते हैं, जिनका यूज करके आप कंटेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी लोगो इमेज हेडर विद टेक्स्ट व्हिच इज मोर लाइक अ बैनर, मल्टीपल इमेज मॉड्यूल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट, स्टैंडर्ड फोर इमेज एंड टेक्स्ट एंड मच मोर। अगर आप नहीं जानते हैं तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट का मतलब होता है कि जैसा आपको यहां दिख रहा है वैसा ही बनने के बाद दिखेगा। तो ये सुपर इजी तरीका है बढ़िया फॉर्मेटेड कंटेंट क्रिएट करने का। आप इनमें से कोई भी मॉड्यूल सिलेक्ट करके उसे अपने इमेजेस एंड टेक्स्ट के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इन मॉड्यूल्स के कॉम्बिनेशन से सभी डिटेल्स या फीचर्स एक्सेट्रा बढ़िया और कन्विंसिंग ब्रोशर टाइप के डिजाइन में दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट Amazon A+ कंटेंट। स्टेप नंबर 1, सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में लॉगिन करके एडवर्टाइजिंग मेन्यू में A+ कंटेंट मैनेजर पे क्लिक करिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट। थर्ड, यहां आपको दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनहांस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड एडिशनल कंटेंट टाइप्स। इनहांस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे बेसिक ब्लॉक है, इसमें क्रिएट बेसिक पे क्लिक करेंगे। ये बेसिक ए प्लस कॉन्टेंट है। अगर ब्रांड स्टोरी क्रिएट करनी है तो ब्रांड स्टोरी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, ए प्लस कॉन्टेंट के लिए कोई भी नेम एंटर करिए। नाम इस तरीके का रखिएगा कि उसे देखकर आप समझ सकें कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। इसके बाद मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए यहां ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि 17 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। सभी मॉड्यूल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जब आप कोई मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टेक्स्ट एंड इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वंस यू डू दैट, तो जिस तरीके का लेआउट या लुक एंड फील आपको यहां दिख रहा है, आपका कंटेंट भी उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो किसी भी एक मॉड्यूल पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करेंगे, यहां इमेजेस अपलोड करेंगे एंड टेक्स्ट बॉक्सेस में टेक्स्ट डालेंगे। इमेजेस के साइज की अपलोड करनी है, वो इमेजेस की प्लेसेस में ऑलरेडी डिस्प्लेड है, तो बस उस साइज की इमेज क्रिएट करके यहां अपलोड करनी है। इसी तरह आप 5 मॉड्यूल्स और ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 5 मॉड्यूल्स ऐड करने ही है, आप 1-2 मॉड्यूल्स के साथ भी ए प्लस कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, बट जब ऑप्शन है तो व्हाई नॉट मेक फुल यूज ऑफ इट। वंस यू आर डन एडिंग मॉड्यूल्स, तो फाइनल करने से पहले आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। मोबाइल या डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपने जो A+ कंटेंट क्रिएट किया है वो मोबाइल पे कैसा दिखेगा एंड डेस्कटॉप पे कैसा। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो एडिटर पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं एंड अगर आप अपने डिजाइन से खुश हैं तो नेक्स्ट अप्लाई एसिंस पे क्लिक करेंगे। एड एसिंस टेक्स्ट बॉक्स में एसिन टाइप करिए, जिनके लिए आपको ये A+ कंटेंट डिस्प्ले करना है। अगर आप एसिन टाइप करेंगे तो आपको सजेशन में उस एसिन का टाइटल शो होगा, उस पे क्लिक करके वो एसिन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मल्टीपल एसिन के लिए सेम ए प्लस कॉन्टेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 1 by 1 एसिन एंटर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। एक बार अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिए कि सब कंटेंट सही है या नहीं एंड सही एसिन सिलेक्ट किए हैं या नहीं एंड देन सबमिट करने के लिए क्लिक ऑन सबमिट फॉर अप्रूवल। जब आप ए प्लस कॉन्टेंट सबमिट करेंगे उसके बाद एक अप्रूवल प्रोसेस रन होगा एंड अगर उसमें कोई भी पॉलिसी वॉयलेशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो Amazon से अप्रूव होने के बाद आपका ए प्लस कॉन्टेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। बट रिव्यू में अप टू 7 बिजनेस डेज लग सकते हैं। अगर किसी भी स्टेप पर आपको लगता है कि आप अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एंड बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं तो सिंपली सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड अभी तक आपने जितना भी क्रिएट किया है वो सेव हो जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम जब आप ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर ओपन करेंगे तो आपको सभी ए प्लस कंटेंट दिख जाएंगे अलॉन्ग विद उनका स्टेटस जिन्हें आपने सेव एज ड्राफ्ट किया था। उनका कॉन्टेंट स्टेटस यहाँ पे ड्राफ्ट में दिखाई देगा। आप सिंपली उसके नाम पे क्लिक करके वापस एडिट वाले पेज पे जा सकते हैं। एडिट करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने ही एक स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग ए प्लस कॉन्टेंट को लाइव रिक्रिएट करके दिखाऊंगा फॉर इवन बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर आर 17 मॉड्यूल्स दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम, स्टैंडर्ड कंपनी लोगो, स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट, स्टैंडर्ड फोर इमेज एंड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड फोर इमेज स्लैश टेक्स्ट क्वाड्रेंट, स्टैंडर्ड इमेज एंड डार्क टेक्स्ट ओवरले, स्टैंडर्ड इमेज एंड लाइट टेक्स्ट ओवरले, स्टैंडर्ड इमेज हेडर विद टेक्स्ट, स्टैंडर्ड मल्टीपल इमेज मॉड्यूले, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड हाइलाइट्स, स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड साइड बार,
स्टैंडर्ड सिंगल इमेज एंड स्पेक्स डिटेल, स्टैंडर्ड सिंगल लेफ्ट इमेज, स्टैंडर्ड सिंगल राइट इमेज, स्टैंडर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड थ्री इमेजेस एंड टेक्स्ट। इनमें से स्टैंडर्ड कंपनी लोगो मॉड्यूल आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, बट बाकी सभी मॉड्यूल आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें कंप्लीट लिस्ट है इन सभी मॉड्यूल्स की, अलोंग विद हर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक नंबर ऑफ इमेजेस, इमेजेस के डायमेंशंस, टेक्स्ट ऑप्शंस एक्सेट्रा, एंड किन पर्पस के लिए आप वो मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। आप बाकी मॉड्यूल्स के लिए वो रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बट इससे पहले कि आप A+ कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, आपको A+ कंटेंट क्रिएट करने के गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होना बहुत जरूरी है। A+ कंटेंट गाइडलाइंस, मैं आपको A+ कंटेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता रहा हूं। कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गाइडलाइंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गाइडलाइन नंबर 1, अगर आप अवार्ड, एंडोर्समेंट, सर्टिफिकेशन टाइप का कोई भी क्लेम मेंशन कर रहे हैं तो उसे वैलिडेट करना जरूरी है, मतलब उसके कंप्लीट डिटेल्स देना, लाइक डेट एंड ऑर्गेनाइजेशन का नेम जिसने आपको वो ग्रांट किया है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। गाइडलाइन नंबर 2, सिमिलरली एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी क्लेम करते हैं, लाइक इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेबल एक्सेट्रा, तो उसके साथ भी नोट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी, लाइक क्या मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, सर्टिफाइंग बॉडी क्या है एंड ईयर एक्सेट्रा। 3rd, टर्म्स लाइक 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड, नंबर 1 सेलर, बेस्ट सेलर, टॉप रेटेड एक्सेट्रा अलाउड नहीं है। नंबर 4, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस रिलेटेड कोई भी क्लेम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दिस अप्लाइज टू ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ब्रेवरेजेस, फूड एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। हेल्थ प्रोडक्ट्स इंक्लूड नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, विटामिंस एंड सप्लीमेंट्स एज वेल। ऐसे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड और भी कोई क्लेम करते हैं तो उसके भी पूरे डिटेल्स देने होंगे। नंबर 5, वारंटी और गारंटी इंफॉर्मेशन, या अमेजोन से बाहर कोई भी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कोई भी शिपिंग डिटेल्स और फ्री शिपिंग, QR बार कोड्स, फोन नंबर, एड्रेस और ईमेल आप अपनी A+ लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। नंबर 7, प्राइस और प्रमोशनल इंफॉर्मेशन और डिस्काउंट्स, टर्म्स लाइक अफोर्डेबल, चीप, बोनस, फ्री एक्सेट्रा, और कॉल टू एक्शन लाइक बाय नाउ, Add to cart, etc. भी A+ लिस्टिंग में यूज करना मना है। 8th, comparison charts का यूज आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इट शुड बी बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ सेम ब्रांड। 9th, एनी रेफरेंस टू कस्टमर सर्विस और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आउटसाइड Amazon, वेबसाइट लिंक्स etc. बिल्कुल मना है। कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गाइडलाइंस का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं A+ कंटेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। 1st, टेल योर ब्रांड स्टोरी। बेसिक A+ लिस्टिंग के साथ साथ ब्रांड स्टोरी भी क्रिएट करिए। अपने ब्रांड एंड अपने प्रोडक्ट रेंज के वेरियस क्वालिटीज को बैनर इमेज के थ्रू हाईलाइट करिए। ब्रांड स्टोरी जेनरिक होती है जो आप सभी प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे शो कर सकते हैं, तो एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट होगा आपके ब्रांड के लिए। 2nd, नो योर कस्टमर्स एंड देयर परचेज बैरियर्स। कस्टमर रिव्यूज, रिटर्न रीजंस, कस्टमर के जो भी मैसेजेस या क्वेश्चंस आए हैं उन्हें एनालाइज करके समझिए। समझिए कि आपके कस्टमर का सबसे कॉमन कंसर्न क्या है, वो क्या जानना चाहता है बिफोर परचेजिंग योर प्रोडक्ट, एंड उन एस्पेक्ट्स को अपनी A+ लिस्टिंग में इंक्लूड करिए। इससे ना सिर्फ कन्वर्जेंस इंप्रूव होंगे बट नेगेटिव रिव्यूज एंड रिटर्न्स भी कम होंगे। नेक्स्ट, मेक द कंटेंट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। बहुत लंबे पैराग्राफ्स मत लिखिए, कोई नहीं पढ़ेगा। टू द पॉइंट लिखिए, अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, एंड इमेजेस के थ्रू ज्यादा कन्वे करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, इंप्रूव डिस्क्रिप्टिविटी। मेक श्योर कि इमेजेस में कीवर्ड्स एंड ऑल टेक्स्ट जरूर डालिए, बिकॉज इवन दो A+ कंटेंट Amazon में इंडेक्स नहीं होता है, बट गूगल डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन रीड करता है, एंड इट कैन हेल्प यू ओवरऑल डिस्क्रिप्टिविटी इंप्रूव करने में। नेक्स्ट, एजुकेट ऑन प्रोडक्ट वैल्यू। A+ कंटेंट को बहुत वाइजली यूज करना है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, स्पेशली जो फैक्ट्स या नंबर्स हैं।
फीचर्स बताइए, उसके यूजेस, बेनिफिट्स बताइए। अगर क्वालिटी क्लेम कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात करिए, लाइक कौन सा मटेरियल से बना है, कितनी शेल्फ लाइफ है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यूज प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस। इमेजेस जहां भी यूज करें हमेशा हाई क्वालिटी यूज करें। जितनी क्लियर एंड डिफरेंट एंगल से आप अपनी इमेजेस को डाल सकते हैं वो डालिए। नेक्स्ट, यूज योर स्पेस इफेक्टिवली। वाइड स्पेसेस अवॉइड करिए। इसके लिए ट्राई करिए अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स यूज करने का एंड टेक्स्ट एंड इमेजेस का बैलेंस बनाने। नेक्स्ट, प्रूफ रीड योर कंटेंट बिफोर सबमिटिंग। सभी टेक्स्ट एंड इमेजेस अच्छी तरह देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक एंड कहीं कोई पॉलिसी वॉयलेशन तो नहीं हो रहा। सब चेक करके तभी रिव्यू के लिए सबमिट करिए। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ए प्लस लिस्टिंग्स टू अंडरस्टैंड बेटर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ए प्लस कॉन्टेंट के एग्जाम्पल्स के लिए मैंने कुछ लिस्टिंग्स निकाली है सो दैट मैं उनकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें कमियां हैं वो आपको बताऊं, सो दैट जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो तो वो जो बेटर पॉइंट्स हैं, जो बेस्ट चीजें हैं वो आप अपनी लिस्टिंग्स में एम्बेड कर पाएं और जो चीजें अवॉइड करनी है वो भी आप ध्यान रख पाएं। क्योंकि ऐसी अभी तक कोई एक परफेक्ट लिस्टिंग नहीं मिली है जिसको मैं ये बोलूं कि दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर। ऑल्सो हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी कुछ यूएसपीज होती हैं जो वो कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सबके ए प्लस अलग होंगे, ठीक है। बट हमें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स देखने हैं जो हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने एक एग्जांपल लिया है वो लिया है फुट एयर पंप का। इसकी मैंने चार लिस्टिंग्स निकाली हैं। प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, बस प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है एंड मैं आपको इन चारों की लिस्टिंग दिखाऊंगा कि कौन अच्छी है, किसमें क्या अच्छा है और क्या किसी में इंप्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं। तो पहली जो लिस्टिंग है वो है क्विकनिक बाइक साइकिल पंप। तो क्विकनिक ब्रांड की है ये। जब हम इसके ए प्लस पे आएंगे, मैं सीधे ए प्लस पे आऊंगा, तो आप देखोगे इन्होंने ए प्लस डाला ही नहीं, राइट। तो इट्स लाइक कि वो सेल कर रहे हैं, उनकी 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर है, 582 रेटिंग्स इन्हें मिली हुई है, बट स्टिल दे आर लूजिंग अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ए प्लस नहीं है। इसी तरह अगर हम सेम प्रोडक्ट को देखें जो कि हमारा ये ब्रांड है क्यूपेट, तो आप देखोगे प्रोडक्ट सेम है, फुट एयर पंप ही है फॉर कार एंड बाइसिकल्स। आप जब नीचे आते हो इसके ए प्लस पे तो आप देखोगे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ए प्लस बनाई हुई है। अगर हम नीचे तक स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हो इन्होंने काफी कुछ चीजें इसमें बताई हुई हैं, बट मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता हूँ कि क्या इनका बेटर है क्या नहीं। तो अभी आप देखोगे एक इमेज ले रखी है जिसमें एक बच्चा है, बड़ा ही हैप्पी है वो साइकिल चलाते हुए। इन्होंने अपने ब्रांड का यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है क्यूपेट। मेरे को प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, रीजन बीइंग एक वाइट स्टिकर के ऊपर इन्होंने क्यूपेट इस तरीके से लगाया हुआ है, मतलब दिस डजंट लुक वेरी प्रोफेशनल कि एक प्रीमियम ब्रांड है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे साइकिल, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर लगाया हुआ है और उसके नीचे अपना प्रोडक्ट लगाया हुआ है। प्रोडक्ट लगाया ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इतना मैच हो रहा है प्रोडक्ट से, ब्लैक कलर से, कि मेरे को प्रोडक्ट पहली नजर में दिखी नहीं रहा है, राइट। इसके अलावा नीचे कार की फोटो है, बॉल्स की फोटो है, ट्यूब की फोटो है, कि ये प्रोडक्ट बेसिकली इन सब जो हमारे व्हीकल्स हैं या फुटबॉल हैं या टॉयज हैं इनके लिए यूज हो सकता है, बट एक क्लियर कट मैसेज नहीं है इस चीज में, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्यूपेट पोर्टेबल मीनिंग बाइक के बारे में प्रोडक्ट की इमेज लगाई है, उसके बारे में फिर कुछ तीन चार चीजें लिखी हैं एंड आई होप कि इन्होंने ये सब चीजें ऊपर वाली ही जो बुलेट पॉइंट्स हैं वहां से कॉपी ना की हो, तो विच इज गुड। और अगर कॉपी भी की है तो आई थिंक जो फैक्ट और फिगर्स हैं वो मेंटेन किए हों, ठीक है। तो लेकिन अभी हम सिर्फ ए प्लस की बात करेंगे, तो I will stick myself to A plus only, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिमूवेबल फ्लेक्सिबल ट्यूब, हाई एंड लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट ट्यूब। तो इन्होंने ट्यूब की इमेज दी है, फायर आइकन से इन्होंने हीट को दिखाने की कोशिश की है और ब्लू साइड से थोड़ा आइस को दिखा के कोल्ड की, लेकिन वो कौन सी ट्यूब है ये क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो ट्यूब यहाँ पे थोड़ी सी जो पंप जिसमें एयर हमारी जाएगी टॉयज में या गाड़ी में वो वाली ट्यूब की ये बात कर रहे हैं, बट इट वुड बी ग्रेट अगर ये शोकेस कर पाते, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे 6 स्टेप दिए हैं, मतलब तीन तीन अलग अलग स्टेप है, लेकिन एक यूजर के पर्सपेक्टिव से समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये एक्चुअली किस चीज के लिए है। टेक आउट द गैस नोजल, इंसर्ट द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एंड बकल डाउन एंड लॉक। तो बेसिकली ये यहाँ पे टायर पे हवा भरने का प्रोसेस है एंड नीचे जो इन्होंने दिया है वो आई थिंक बलून्स और बॉल्स में हवा भरने का प्रोसेस है, बट बहुत क्लियर कट मैसेज नहीं है ये मैं कहूंगा। इसके बाद बाइसिकल, बॉल, स्विमिंग रिंग, इन्फ्लेटेबल टॉयज, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि ये यूज क्या। आप यहाँ पे लिख सकते थे कि मतलब किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा रिपीटेटिव सेक्शन भी लगा मुझे, क्योंकि अगर आप ऊपर जाओगे तो फर्स्ट इमेज में ऑलरेडी आप ये सारी चीजें लगा
चुके हैं, ठीक है। एक और जो तीसरा एग्जांपल है इसका, वो है लाइफ लॉन्ग साइकिल एयर पंप। तो आप देखोगे प्रोडक्ट सेम है। इसके बाद जब आप नीचे आते हो तो इनका हम ए प्लस देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ना बहुत अच्छी चीज करी है, इन्होंने क्या किया है, मिनी पोर्टेबल डिजाइन, बहुत क्लियरली अपनी ब्रांडिंग दी है, विच लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, कि पीछे कोई स्टिकर नहीं है, जैसा इनका लोगो है, जैसा इनका ब्रांड है, उन्होंने दिखाया बहुत ही बढ़िया तरीके से, लिखा है कि पोर्टेबल डिजाइन है। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे दिखाया है एक माउंटेन बाइक पे जो राइडर है वो राइड कर रहा है, लेकिन इन्होंने तरीका अच्छा दिखाया है कि एक छोटी सी जगह में ये जो पंप है वो आ जाता है। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा ये परफेक्ट डिजाइन है, क्योंकि मैं इसके बाद जो लिस्टिंग दिखाऊंगा उन्होंने भी अपने आप को बहुत पोर्टेबल डिजाइन बताया है, बट सेम फीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नेक्स्ट इंप्रूव वर्जन डिजाइन किया है, सो दैट वो फील आए और वो पता चले कि हाँ ये सच में एक पोर्टेबल डिजाइन है। तो नीचे आते नीचे आके आप देखेंगे कि लाइफ लॉन्ग मल्टीफंक्शनल एयर पंप ने अपने बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए जब आप लिस्टिंग बनाते हैं ना, मैंने ये देखा है कि आपकी सीरियसनेस आपके बिजनेस को लेके ना आपके शब्दों से, आपने जो टेक्स्ट यूज किया है या आपने जो इमेजेस यूज किए उससे पता चल जाती है। अब जैसे मैं बताऊंगा लाइफ लॉन्ग, इट्स योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड को लेके सीरियस नहीं हुआ, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, राइट। तो ये चीजें आप चेक करिए कि क्या आप जो लिस्टिंग बना रहे हैं उसमें आपकी ब्रांड की तो स्पेलिंग गलत नहीं है, तो दिस शुड बी करेक्टेड बाय द ब्रांड। इसके बाद आप देखोगे एल्यूमिनियम फुट पेडल है एंड 90 डिग्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग फुट पेडल है, विच इज गुड कि प्रोडक्ट के अंदर हमारा पेडल जो है वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन मैं यहाँ पे पेडल नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। मिलन सोमन जो कि एक मॉडल है, बोल्ड एक अनदर ब्रांड है बाइक का, मुझे नहीं पता कि ये सही है यूज करना, क्योंकि सेलिब्रिटीज को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते अंटिल अनलेस दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद यू। प्रोडक्ट आपने साइड में लगा दिया, लेकिन अगर मैं पेडल की बात कर रहा हूं तो पेडल मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं एटलीस्ट कोशिश करें कि आप वो दिखा पाए। नीचे आप अगर आते हैं तो आप देखते हो एंटी स्लिप पेडल, यहां पे आप बोल रहे हैं एंटी स्लिप पेडल लेकिन वो एल्यूमिनियम का नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि शायद रबर चढ़ी होगी, सो दैट वो पेडल अंदर है और उसको एंटी स्लिप बनाने के लिए रबड़ यूज करी गई है, बट स्टिल आई वुड हाईली रेकमेंड कि यहां पे वो पेडल दिखाना चाहिए थोड़ा सा जूम इन करके। दिस इज अ वेरी गुड इमेज, कन्वीनियंट डिजाइन, रीजन बीइंग कि यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे अपने पैरों का यूज करके हमें हवा भरनी है, परफेक्ट इमेज। एल्यूमिनियम बाइक पंप, ठीक है, पूरे पंप के बारे में फिर से इन्होंने पूरी इमेज लगा के उसके बारे में बताया है। ड्यूरेबल मटेरियल है, सेम वही चीज इन्होंने करी है यहां पे। प्रेशर गेज इमेज बहुत अच्छी है इन्होंने यहां पे लगाई है, सो दैट हमें पता लगे कि हम अपने व्हीकल या टॉयज में कितनी हवा भर चुके हैं। पोर्टेबल की बात करिए, इन्होंने पोर्टेबिलिटी की बात करी है लेकिन साइड में रखा हुआ है, तो पोर्टेबिलिटी ठीक है, मुझे रेस्पेक्ट में समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, बट इसको और बेटर तरीके से बता सकते थे, ये चीज है, ठीक है। ऑपरेशन स्टेप्स, दिस इज गुड एक्चुअली, आपने ये देखा होगा कि क्यूपेड ने भी यही स्टेप दिखाए थे, मैंने आपको दिखाया था, आप जब नीचे आते हैं तो क्यूपेड ने भी ये स्टेप्स दिखाए थे, लेकिन मैंने क्या बोला था कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग ने बहुत अच्छे तरीके बोला कि दीज आर द ऑपरेशनल स्टेप्स, आपको यूज कैसे करना है, एंड सेम वही तीन स्टेप है, बट यहां पे थोड़ा सा इनको एक क्लैरिटी और देनी होगी जो आई थिंक क्यूपेड में ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि वहां पे उन्होंने नंबरिंग की हुई थी 1 2 3 1 2 3, राइट। तो लाइफ लॉन्ग में वो क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है ये 6 स्टेप हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो यहां पे वो क्लैरिटी देनी होगी कि अगर आप टायर में हवा भर रहे हैं तो ये, अगर आप ये नोजल यूज कर रहे हैं या इसको नीडल को यूज कर रहे हैं तो उस तरीके से आप टॉयज में हवा भरेंगे तो उसके स्टेप्स ये हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट लिस्टिंग है वो है क्यू एक्सिस पोर्टेबल हाई प्रेशर फुट एयर पंप, सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, बट इसका अगर हम ए प्लस चेक करते हैं आके नीचे तो आप देखोगे इन्होंने अपना ब्रांड वगैरह डाला हुआ है यहाँ पे, माउंटेन रेंज की बाइक है, बहुत प्रीमियम इमेज नहीं लगी मुझे। अगर ब्रांड का लोगो इस तरीके से है तो आप उसको और किसी तरीके से और बेटर बना सकते थे, बैकग्राउंड की इमेज के साथ थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते थे, तो वो इनको देखना होगा। मिनी पोर्टेबल डिजाइन, ये हमें लाइफ लॉन्ग ने भी बात करी थी और ऐसे ही बाइक के ऊपर, माउंटेन बाइक के ऊपर एक राइडर थे, बट द गुड पार्ट इज कि इन्होंने भी उसी टाइप का डिजाइन क्रिएट किया है कि बैक के अंदर वो पंप है, लेकिन द गुड पार्ट इज उसको रेफर किया है राइडर के जो पीठ पे बैग है उसके ऊपर, तो इससे क्लियर इंडिकेशन जाता है कि बैग में आ जाएगा ये। थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, बट इसको और विजिबल कर सकते थे क्योंकि फॉन्ट कलर इन्होंने ऐसा लिया है कि जो दिख नहीं रहा है। द साइज ऑफ अ वाटर ग्लास एंड इट वेज 400 ग्राम, परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग और होम यूज, कन्वीनियंट टू फोल्ड एंड स्टोर। अच्छी चीज ये है कि कॉन्टेंट बताया गया है, उसकी बारे में चीजें बताई है, कितना बड़ा साइज है, कितना वेट है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो टेक्स्ट बहुत ध्यान से देखने पे ही पता चल रहा है, वैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है
तो उसे पता नहीं चल रहा है, राइट। नीचे आते हैं, मोर डिटेल्स अबाउट द पंप मटेरियल, दिस इज अ वेरी गुड इमेज क्योंकि उन्होंने इनसाइड आउट भी दिखाया है कि नीचे से कैसा है प्रोडक्ट, ऊपर से कैसा है, व्हिच इज गुड। दिस इज द राइट वे अगर आपको अपने प्रोडक्ट में गर्मी और ठंड दोनों दिखानी है, हाई और लो टेम्परेचर दिखाना है, राइट। दिस इमेज इज परफेक्ट, आप देखोगे हीट रेजिस्टेंट है या कोल्ड रेजिस्टेंट है तो आप दिखा सकते हो कितने टेम्परेचर तक, और आप देखोगे यहाँ पे दोनों तरफ इन्होंने ब्लू और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया, और इसी तरीके से यूज किए जाते हैं A+ लिस्टिंग्स में या प्रोडक्ट इमेजेस में, बट बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि कोल्ड मेरा -13 डिग्री फारेनहाइट तक जाएगा एंड जो हीट है वो हमारी 113 डिग्री फारेनहाइट तक जाएगी, ठीक है। इसके बाद 2-in-1 हैंड एंड फुट एक्टिवेटेड पंप, ये हाथ से भी कंट्रोल होता है तो विच इज गुड, इन्होंने जूम करके दिखाया है कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते, ठीक है। नीचे आप आते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज है कि साइकिल है उसके आगे पंप लगा हुआ है, बट ये ठीक है लेकिन इसके ऊपर कोई मैसेजिंग नहीं है, आप एक स्पॉट लूज कर रहे हो अपने एंड यूजर को कन्विंस करने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी स्पेस लूज आउट करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि A+ लिस्टिंग में या पूरी लिस्टिंग में जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कुछ डालना है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, बहुत सारे सेलर कुछ डाल देते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, आप वहां पे अपने पोटेंशियल कस्टमर को फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पे ऐसी ही चीज डालनी है जिससे वो कन्विंस हो। अब ये एक स्पॉट लूज आउट कर रहा है QXIS, तो इसको ऑब्वियसली एक इंप्रूवमेंट का स्कोप यहां पर है। इसके बाद स्टील फुट पेडल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेडल के बारे में बताया, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम कि यहाँ पे जो फॉन्ट यूज किया है वो इस तरीके का है कि वहां पे विजिबिलिटी ही नहीं है। 90 डिग्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग फुट पेडल इज पोर्टेबल एंड मेक्स इट इजी टू इन्फ्लेट टायर्स, तो वो क्लैरिटी नहीं है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। ऑपरेशन स्टेप्स व्हिच इज गुड, यहाँ पे ये है कि क्लैरिटी है, सेम स्टेप्स हैं, आप देखोगे सेम ही प्रोडक्ट है तो सबने वही इमेजेस यूज करी हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्लैरिटी है कि यहाँ पे ऑपरेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं, 3 स्टेप लिखे हुए हैं, नीचे भी 3 स्टेप लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन फैक्टर समझ आता है कि दोनों ही प्रोसेसेस अलग है। इसके बाद आप नीचे आते हैं और एक लाइफस्टाइल इमेज है जहाँ पे एक फीमेल और मेल मॉडल है या राइडर्स है, दिस इज अ गुड थिंग, यहाँ पे ये होता है कनेक्ट बिल्ड होता है पोटेंशियल कस्टमर के साथ कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट लिख के ये क्लैरिटी दे सकते थे कि ये जो पंप है वो हाथ से भी ऑपरेट होता है, हैंड ऑपरेटेड है और फुट ऑपरेटेड भी है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी दे सकते हैं क्योंकि इमेज इन्होंने अच्छी बनाई है, लेकिन इमेज में ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो माइक्रो इमेजेस लगी हैं मेन इमेज के अंदर वो क्या पर्पस है उनका, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद इनकी ब्रांड स्टोरी, तो ये एक एग्जांपल था एयर पंप का जिसमें मैंने जानबूझ के 4 लिस्टिंग दिए थे कि सो दैट 0 से लेके अगर 4 तक जाएं, चारों लिस्टिंग में अगर हम देखें तो पहली लिस्टिंग में आपने देखा कि जो हमारी क्विकनिक की थी उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा एक यूजर के पर्सपेक्टिव से। दूसरे में हमने देखा कि वो प्रीमियम नहीं लग रहे थे, उनका प्रोडक्ट भले ही अच्छा हो या रेटिंग्स अच्छे हो लेकिन उन्होंने प्रीमियम नहीं लग रहे थे। तीसरे में उन्होंने चीजें अच्छी करी बट स्टिल वहां पे भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था। फोर्थ में भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट था बट स्टिल वो बाकी तीनों से बेटर था, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं एंड उसमें देखते हैं क्या बेटर है, क्या कमियां हैं एंड अगर कुछ कमियां हैं तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है और अच्छा है तो क्या अच्छा है। चलिए चलते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही कॉफी पाउडर सिलेक्ट किया था, तो कुछ ब्रांड्स आए हैं मेरे सामने, उसमें 2 ब्रांड है स्लीपी आउल एंड कंट्री बीन, तो दीज आर द प्रोडक्ट जो मुझे लगे कि इनकी लिस्टिंग्स काफी ठीक है। तो इसको पहले हम स्लीपी आउल को देखते हैं, स्लीपी आउल एक अच्छा ब्रांड है एंड इसके बाद जब हम इनकी A+ पे आते हैं तो ब्रांड स्टोरी नो डाउट अच्छी बनी हुई है। ब्रांड स्टोरी की बात करें काफी सही है, मॉडल इनका लगा हुआ है, एक फीमेल कनेक्ट यहाँ पे बन रहा है, एक यूजर कनेक्ट यहाँ पे बन रहा है, उन्होंने ब्रांड के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया इमेज करी है यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट जो इनके फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पे हैं, एक्सप्रेसो लाटे किट, कुछ रिव्यूज इन्होंने डाले हैं एंड वाई जूसेस वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ स्लीपी आउल की लिस्टिंग में, आप इन इमेजेस को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी मेजर मिस्टेक कह लो या पैसे बचाने की टेक्निक कह लो जो मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स करते हैं, वो ये कि जो लिस्टिंग्स कि जो इमेजेस इन्होंने ऊपर यूज करी हैं उन्हीं को ये नीचे यूज कर लेते हैं। बट यू मैंने जैसे अभी बोला यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी स्पॉट। आप ऑलरेडी जो चीज ऊपर इमेजेस में बता चुके हो आप उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। आप उनको रिपीट करिए लेकिन बहुत ही सेंसिबल तरीके से, बहुत ही डिफरेंशिएटेड तरीके से जिससे वो एड ऑन हो कस्टमर के माइंड में, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे होल्डन कॉट यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज आप ध्यान से रखिएगा और ये इमेज, ये दिस इज अ वेरी गुड इमेज मैं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे ब्रांड स्पेशली एडिबल ब्रांड जो फूड
फूड रिलेटेड आइटम वाले होते हैं वो क्लोजअप नहीं देते हैं अपने प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज अ रियली गुड पिक्चर जहां पे आप कॉफी को बिल्कुल उसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो देख सकते हैं। नीचे आते हैं ए प्लस पे, बैक टू ए प्लस। तो सबसे पहले स्लीपी आउल ने ऑब्वियसली अपनी ब्रांडिंग दी है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। सारे जितने भी इनके तीन फ्लेवर हैं, हेजलनट ओरिजिनल एंड दिस इज फ्रेंच वनीला, वो डाला हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज थोड़ा सा रॉ मटेरियल भी दिख रहा है स्पून के अंदर, और जो फाइनल प्रोडक्ट किस टाइप का हो सकता है वो भी दिख रहा है। दिस इज अ वेरी गुड इमेज, ठीक है। द सेकंड इमेज जो इन्होंने यूज करी है वो बहुत बढ़िया यूज करी है, जहां पे मैंने बोला था कि वो बहुत ही जूम इन करके प्रोडक्ट को दिखाया है, 100% अरेबिका फ्रीज ड्राइड कॉफी। दिस इज गुड इमेज, ऑलरेडी ऊपर यूज करी हुई है, बट इट्स ओके। मैंने वही बोला कि सारी इमेजेस रिपीट मत करिए या कुछ करिए, लेकिन वहां पे अगर सेंस बनता है उस इमेज का तभी रिपीट करिए, ठीक है। एंड नो डाउट अगर इतने बड़ी इमेज में मेरे को ये दिख रहा है कि कॉफी के ऐसे चंक्स आएंगे मेरे पास, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये इमेज भी ऊपर थी, हमने देखी थी, हैबिट योर वे हॉट और कोल्ड, तो ऑब्वियसली रिपीट है। इसके बाद तीसरी इन्होंने एक यूजर को, एक फीमेल को पीते हुए दिखाई है कॉफी, डिलीशियस रिच एंड बोल्ड फ्लेवर, कुछ प्लांट लगा हुआ है एंड एक डेकोरेटिव आइटम है। इस इमेज को लेके आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। बीइंग अ मार्केटर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपको कभी भी इमेज में अगर आप किसी भी मॉडल एंड फीमेल मॉडल, मेल मॉडल या किसी भी पर्सन को यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करिए जितना मैक्सिमम हो सकता है उसका आई कॉन्टैक्ट सामने रहे, क्योंकि अभी क्या मैं देख पा रहा हूं कि ये मॉडल जो भी ये लेडी है वो कॉफी पी रही है लेकिन वो लेफ्ट की तरफ देख रही है, दूसरे डायरेक्शन में देख रही है, तो मेरा कोई कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। आई एम नॉट गेटिंग वेरी एंगेज्ड विद दिस मॉडल, राइट। सेकेंडली उनके फेस पे हैप्पीनेस नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी ब्लैंड फोटो। मैं हमेशा फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी इमेज यूज कर रहे हैं जितनी ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उतना बेटर कन्वर्जन होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, मेड विद 100% अरेबिका बीन्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, 100% अरेबिका बीन्स। मतलब आप रिपीटेटिवली एक ही मैसेज जस्ट बिकॉज डालना है, शायद इसलिए डाल रहे हैं। मेक्स अप टू 50 डिलीशियस कप, दिस शुड बी द बिग मैसेज। आप यहां पे लिख सकते थे ये चीज कि 50 कप बनते हैं आपके इसमें, सिग्नेचर चॉकलेटी फ्लेवर, ओके गुड एनफ, लेकिन ऊपर आपने रिच एंड बोल्ड फ्लेवर लिखा है। अगर वो सेम है तो आई डोंट नो दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं ए प्लस लिस्टिंग से, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और जो ब्रांड यहां पे निकाला कॉफी का, वो है कंट्री बीन, ठीक है। इस ब्रांड के बारे में इसमें भी इनकी लिस्टिंग में भी कुछ दिक्कतें हैं जो मैंने नोटिस की, एक बहुत प्रोमिनेंट दिक्कत है इसलिए मैं बता देता हूं। तो वो दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। तो इन्होंने अपनी लिस्टिंग में लिया मेक 25 कप, ठीक है, 25 कप बनते हैं इस जार में, बट जब मैं नीचे इमेजेस में आता हूं तो आप देखोगे इस इमेज में लिखा हुआ है मेक्स 30 टेस्टी कप। तो ब्रांड को, इस ब्रांड के जितने मतलब ओनर्स को या ब्रांड जो भी मैनेज कर रहा है इस प्रोडक्ट को, उसको ये चीज देखनी होगी कि सिंक रहे, क्योंकि बीइंग अ कस्टमर या बीइंग अ पोटेंशियल कस्टमर मेरे अंदर डाउट आ गया है कि ये 25 कप बनेंगे या 30 कप बने, ठीक है। एंड अब नीचे आते हैं ए प्लस, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, डाइग्रेस नहीं करूंगा, लेट्स कम बैक टू द ए प्लस। तो आप देखोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से ए प्लस शुरू करिए, इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम हेजलनट इंस्टेंट कॉफी। गुड पार्ट, इन्होंने प्रीमियम पे बहुत बड़ा फोकस किया है, जो मेन कीवर्ड है ना उन्होंने जो दिखाना चाहते हैं, विच इज गुड। 25 कप बनते हैं, गुड, ऑब्वियसली इन्होंने लिस्टिंग में 25 लिखा, वो इमेज करेक्ट करके वहां पे भी 25 कर सकते हैं, इजी टू डू है, तो लेकिन सब सिंक में आ जाएगा उसकी वजह से। बट द गुड पार्ट इज आपने अपनी कॉफी का जार दिखाया है, फाइनल प्रोडक्ट दिखाया है जो कप में कैसा लगेगा। प्रीमियम है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर है कि महंगी कॉफी होगी या बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफी होगी, कितने कप्स मुझे मिलेंगे एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई भी फैंसी इमेजेस नहीं है, फैंसी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है इस इमेज में, परफेक्ट। ओके, नीचे आते हैं, नो मोर वेटिंग इन लाइन इन कैफेज, नो मोर डल मॉर्निंग्स विद 50 ग्राम हेजलनट इंस्टेंट कॉफी, टेक्स व्हाई कंट्री बीन। इस इमेज में अच्छाई सब कुछ है, बट एक प्रॉब्लम है, बताता हूं। प्रॉब्लम इज व्हाई कंट्री बीन, ऑब्वियसली इन्होंने यहां पे टेक्स्ट का यूज किया है, बट द पॉइंट इज कि अगर ये बैनर के ऊपर होता तो दैट वुड बी अ मच मोर इंप्रेसिव थिंग, कि जहां पे मुझे ये समझ आता कि हां ये जो पॉइंटर्स लिखे हैं ये क्यों लिखे, क्योंकि टेक्स्ट रिलेटिवली उस इमेज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, राइट। और नीचे आपके पास इस इमेज में स्पेस भी है, तो ये पूरा सेक्शन आप नीचे मूव करके यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख सकते थे व्हाई कंट्री बीन, राइट। बट द गुड पार्ट इज ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छे से ऊपर वाली ही स्ट्रेटजी को नीचे रेप्लिकेट किया है, बट स्मार्टली। कैसे, आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट आ गया, जो जार है वो आ गया, फाइनल प्रोडक्ट आ गया, अरेबिका बीन्स है 100%, 30 सेकंड्स में रेडी हो जाती है या उससे लेस में, और कोई भी बिटर टेस्ट नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है। नीचे आते हैं, तो इन्होंने लिखा है वी हैव ब्लेंडेड स्पेशलिटी ट्रिपल ए ग्रेड अरेबिका बीन्स विद फ्लेवर दैट डिलीशियस।
कुछ 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 लिखा है एंड कंपैरिजन दिखाया है। कंपैरिजन क्या दिखाया है? अस मतलब कंट्री बीन, कंट्री बीन कैफे लाइक स्मूथ आफ्टर टेस्ट, अपना बॉटल लगाया है एंड इन्होंने एक जनरल इमेज लगाई है जिसमें बिटर टेस्ट आता है, इनके कॉफी के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इस साइज के हैं, यहाँ पे पाउडर मिलती है दूसरों की, ये हाई क्वालिटी 10 रुपए पर कप पड़ता है आपको और वो 200 रुपए से ज्यादा का पड़ता है, चीप क्वालिटी मिलती है। अच्छा चीज है, फीचर्स अच्छे हैं, बट जो दिखाने का तरीका है वो मुझे समझ नहीं आया, वो इससे बेटर हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल निकाल के रखा है, हालांकि वो भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट तरीका इस तरीके से। हाँ, ये इमेज आप देख रहे हो, ये एक गमीज की इमेज है, तो इनका जो ओवरऑल इमेज है ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप उस कॉफी के फीचर्स जो है कि बिटर टेस्ट नहीं है या आपके 10 रुपीज पर कप मिलता है, पाउडर है, ग्रैनुल्स है, तो वो सारे फीचर्स आप इधर लिखेंगे, आपकी जो कंट्री बीन की बॉटल है वो यहाँ पे लगेगी एंड इसके बाद जो आपका जनरल आइटम है वो यहाँ लगेगा एंड देन यू कैन प्ले विद राइट एंड रॉन्ग और करेक्ट इन करेक्ट टिक्स। तो टिक्स में भी हम ग्रीन ले सकते हैं सो दैट एक और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए प्रोडक्ट के अंदर एंड ऑब्वियसली इनकरेक्ट को हम क्रॉस लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, तो दिस इज आई थिंक द बेटर वे अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी और प्रोडक्ट से, ठीक है, या मल्टीपल प्रोडक्ट से, तो ट्राई टू यूज दैट, दिस इज अ गुड एग्जांपल। ओके, नीचे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक यूजर का फीडबैक है, यूजर ने उसको कॉफी को दिखाया है, कप में पिया भी है। आई एम इन लव विद कंट्री बीन हेजलनट कॉफी, नो अदर कॉफी फ्लेवर मैचेस इट्स टेस्ट एंड द नेम ऑफ द यूजर, गुड एनफ, अच्छा है, एक लाइव एग्जांपल है, बट ये लाइव एग्जांपल और बेटर हो सकता था, ये खुद कर सकते थे, उसका रीजन मैं बताता हूँ। इन्होंने ऊपर लिखा है लव्ड बाय ओवर 1 मिलियन प्लस कस्टमर्स, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं बहुत ही शिद्दत से उस लिस्टिंग को देख रहा हूँ तो मैं इस कॉन्टेंट को पढ़ पा रहा हूँ, इस टेक्स्ट को पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो बींग अ यूजर आप सब शॉपिंग करते हैं, आपको भी पता होगा हम बस ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हैं एंड हम ये टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, राइट। बट अगर आपके पास 1 मिलियन कस्टमर्स हैं तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ 1% लोगों ने तो आपको रिव्यूज दिए होंगे और आपके पास होंगे भी, तो आप ये देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी A+ लिस्टिंग में इस तरीके से रियल कस्टमर के रिव्यूज दिखाए हैं। इनके पास 250,000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, तो यहाँ पे भी वो कस्टमर टेस्टिमोनियल या कस्टमर फीडबैक जो टेक्स्ट है वो ऊपर लिख सकते थे, बट इन्होंने नहीं लिखा है, बट ठीक है, लिखना चाहिए, बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे भी कंट्री बीन अपना 1 मिलियन प्लस का नंबर दिखा सकता था एंड इस तरीके से रियल इमेजेस दिखा सकता था जिनके हाथ में उनका प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिस्टिंग बना रहे हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नीचे आते हैं, मेक कैफे लाइक कॉफी एट होम अवेलेबल इन 9 अवार्ड विनिंग फ्लेवर्स, अच्छा एग्जांपल है, अपने सारे इन्होंने जो फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पे दिखा दिए हैं। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, अगर 9 अवार्ड विनिंग फ्लेवर्स हैं, अगर इन्होंने अवार्ड जीते हैं तो ऑब्वियसली उनके आइकन अगर या ट्रॉफी है, मेडल है, या उस ब्रांड जिन्होंने उनको दिया है वो जो आइकन है वो आप यहाँ पे राइट सेक्शन में थोड़ा सा डाल सकते थे छोटा छोटा करके, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यूजर को कि हाँ सिर्फ लिखा नहीं गया है, इनको सच में वो अवार्ड्स मिले। नीचे आते हैं, इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है अपने प्रोडक्ट में एंड दिस इज द बेस्टेस्ट पार्ट। मैं बोलता हूं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप ये सेक्शन जरूर डालिए, और मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर लिस्टिंग में ये सेक्शन मिसिंग है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं इस सेक्शन के लिए, क्लाइंट्स के लिए भी हम डालते हैं अगर उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज कि वहीं पे ही सारे कंपैरिजन फीचर्स आ जाते हैं और कस्टमर वहीं से ऐड टू कार्ट कर सकता है। तो अगर मैं हेजलनट कॉफी के लिए आया था और मैं उसको कैरेमल वनीला ओरिजिनल या स्ट्रॉबेरी से कंपेयर करूं, तो हो सकता है मैं, चलो हो सकता है हेजलनट ना लूं, मैं कैरेमल ले लूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हेजलनट के साथ साथ मैं 1 या 2 बॉटल्स कोई और ले लूं टेस्ट करने के लिए कि मैंने रेगुलर हेजलनट ट्राई किया है तो लेट्स यार मुझे ये तो चाहिए ही, मैं काम करता हूं इस बार कैरेमल भी ट्राई करता हूं कि कैसा है इनका, राइट। तो दिस वे यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर सेल्स, तो दिस इज द बेस्ट सेक्शन। तो इस तरीके से जो मैंने चीजें बताई आज, तो आप अपनी A+ लिस्टिंग में डेफिनेटली उनको इंक्लूड करें, ट्राई एंड टेस्ट करें एंड देखें आपकी सेल्स में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। आई होप आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा, इफ यस तो लाइक जरूर करें जिससे मुझे पता चल सके एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड फाइनली कीप सेलिंग कीप स्माइलिंग।